पटापट कर ले, दिमाग खराब नहीं। चुप। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हमारा 75 आवर डे का डे 18वां। मोटू, 18 दिन कब हो गए पता लगा तेरे को? नहीं लगा। बॉडी में कुछ चेंजेस आए? कुकी चुप हो जाना यार, क्या कर रहे तू? वीडियो बन रहे बेटा, आवाज नहीं करते वीडियो में। चुप चुप कैसे होता है तू? कैसे होता है चुप बता? अरे मुंह में उंगली नहीं लगाते, ऐसे बाहर लगाते हैं, तो अंदर डाल रहा है। इधर देखो गाइस, मोटू को फुल जोश लगा कार्डियो में, जबरदस्त। और तेज और तेज चला, और तेज। ओ क्या पसीना आया देख, पूरी लतपत हो गई पसीने में। गुड, क्या बढ़िया बात। इसे कंटिन्यू 25 मिनट का हो गया, इसी तरीके से चलता है कार्डियो। वेरी गुड। ये मशीन भी मंगवा, ये आएगी तब आएगी भाई। ये इधर बोरिंग की लिस्ट में चलता रहता है, इतना बोर होता है। ये बोलता है भैंस क्या कर क्या रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना मेरे को करने दे रहे हैं। बेटा तेरा लास्ट में आएगा नंबर एक्सरसाइज करने का। अभी मोटू कर रही है लेग की एक्सरसाइज, इसके बाद आज का वर्कआउट कम्प्लीट। मैंने तो कुछ ज़्यादा किया नहीं कार्डियो के अलावा, और ये ज़रूर पूरे इक्विपमेंट को चेक करता रहता है ना? सही है, ये पूरे चीज़ों की टेस्टिंग करता है, और कोई कमी होता तो मुझे बताता आके। ये इधर से इधर, इधर से इधर चेकिंग करके आया है। ये जितने भी बिखेरे हैं ना, वो सब जिम मैनेजर यही है। हाँ, बॉडी वाइज सब स्लिम है बिल्कुल। पीछे से देखो कुछ है ही नहीं। इसके इसके नीचे से भी निकल सकता है। और इसके नीचे से इजीली निकलता है, उधर से आ जाता है, डंबल के पीछे से आ जाता है। वो आ गया, आ गया, उसके लग जाइए उधर। ये आ गया। अबे हो गई चेक, है सही है, सही है, सही है बेटा। अभी कुछ नहीं बोलना इसको, ये एक साथ बताएगा पूरा काम। अब जा रहा है दूसरी चीजें चेक करने। उधर कुछ ही नहीं है, अपना जिम ही करना है चेक। जिम चेक करना है। इसको चेक कर ले, घुमा के देखेगा इसको सही है नहीं है। हाँ बिल्कुल राइट है। अरे बेटा नहीं है, हाँ राइट है। नारियल खाने का काम फिनिश हो गया, शूज खुल रहे हैं। और इधर टीटू को देखो कितना तड़का मचा रहा है। नारियल दिया था खाने के लिए, मिट्टी में रोड रहा उसे। नहीं खाना है अभी से, रुक तो जब मैं पकड़ूंगा। नहीं, निकाल निकाल उसको। तो अभी सुबह सुबह मौका मिला, देखो मौका मिला है सुबह सुबह बाल मिशन में कुछ पार्टिसिपेशन करने का। तो देखिए यूट्यूब चैनल भी है इनका, बता रहे हैं चलो अच्छा है ये काम, तो थोड़ा ठीक लगा। लेकिन आजकल पता नहीं हर जगह जगह काफ़ी काफ़ी लोग ऐसे हो गए जहाँ पे कोई फ्रॉडिंग वगैरह भी चलती है। तो अब बाकी तो भैया जाने। अभी पिलाएंगे गाइस पोतों को पानी, हल्का हल्का वैसे है इसमें, हल्का हल्का पिला देंगे, सूखे तो नहीं है लेकिन फिर भी हल्का हल्का तो डालेंगे। गाइस ये आ गया अपना, आप ना लो, आप ना लो, ये दे दो मेरे को, मैं पिला दूंगी पौधों को पानी। आप ना कह दो जल्दी से, फिर गीता पढ़ते हैं। मेरा वीडियो एडिट हो गया। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तीन में से एक। धन्यवाद। इस क्यारी में हमने लगाए थे हजारे के फूल, अभी निकले नहीं है बस। ये देखो निकलने तो लग गए गाइस, ये देखो हल्के हल्के दिख रहा आपको, ये रहा निकलने लग गए। इसको बस हल्का हल्का गीला करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, और दादी और पोते तो नहा के रेडी हो गए। हो गए रेडी नहा के? तो मैं नहाया हूँ। चीतू मैं नहा के आ जाऊँ? हाँ या ना में जवाब दे। अरे तो भाई जाओ, ऐसे बोल रहा क्या लेके मेरे पास से। चीतू इधर देख मेरी तरफ, मैं नहाया हूँ, नहाया हूँ मैं? ऐसा हाँ या ना में जवाब दे, नहाया हूँ? ओके ठीक है। हाँ बोल, क्या हुआ? वापस बुला रहा है, क्या हुआ बोल? क्या मतलब है? मम्मा ये कौन से जमाने के कपड़े पहने हो आज आप? अच्छी नहीं लग रहे बिल्कुल भी। ये देखो फटी हुई भी यही है यहाँ से। कोई जरूरत नहीं है, मेरे को अच्छा लगना। कहीं से फाड़ दिया इसको? अभी उलझा लिया। देखिए चिमटी से। चिमटी से कैसे फाड़ दिया? टीटू मैं ना के आ रहा हूँ ना वापस आके। अरे रुक, पूछ रहा हूँ, नहीं अभी पूछ नहीं रहा हूँ, रुक जा। मैं से बोल रहा हूँ सुन, वापस आके ना तेरे किसी करूँगा ना, कर लूँ अभी, कर जा। फिलहाल मैं हो चुका हूँ नहा धो के रेडी कुछ इस तरीके से। ये शर्ट आपको पता है कितनी पुरानी है? जो मेरे रेगुलर व्यूअर है ना उनको तो सब पता है, बहुत साल पुरानी है ये। देखो अब जा रहे हैं हम नीचे, पढ़ेंगे भगवत गीता। वो तो चली गई, मुझे भी पकना पड़ेगा जल्दी जल्दी। साड़ी पहन के तैयार हो गई है। आ गया साड़ी पहनना तुझे? पहले तो घबराहट हो रही थी मुझे, साड़ी पहननी आती नहीं, आती नहीं। आ गई ना। और आज मम्मी देखो एक बात सच बताना, आज मम्मी ऐसे नहीं लग रहे
ढोल बजाने वाले ऐसा कुछ नहीं लग रहा। सच में मम्मा मुझे पसंद नहीं आया तेरी कसम। ये खोल दो ना मम्मा, इसको दूसरा पहन लो ना मम्मा, प्लीज मेरे लिए, प्लीज ना मम्मा, प्लीज प्लीज इतना सा कर लो अभी अभी, इसको इसको दूसरा चेंज कर लो, अजीब से लग रहा है। मम्मा बोल रही इतना टाइम मिलता है नन्ना सो गया सिलाई करने दो मेरे को। प्लीज खोल दो ना इसको। नहीं अभी दो, एक महीना पहन लो बस। मैं कल इसको आप सुखाओगे ना तो ये आपको मिलेगा ही नहीं, गारंटी है। जरा तब तक मैं कर देता हूँ इसको आज बिछाने का काम। देखो मैंने कहा था ना धीरे धीरे घर के काम मैनेज हो जाएंगे तो हमें टाइम जल्दी मिलने लग जाएगा। अब घर के काम इतने है ही नहीं, छोटे मोटे बचते हैं जिनको भागते दौड़ते ही कर देते हैं। बड़े बड़े काम हमने कर दिए। क्यों आपके नहीं, मेरे तो बहुत सारे डेली रूटीन की तो वो तो चलता रहता है लाइफ है ऐसी कि एक करोगे दूसरा मिल जाएगा। यही तो मंदिर से नारियल वगैरह लाने हैं। वो तो अभी आज क्या बार है, संडे ना, कल मंडे कुछ लेंगे तब लेके आएंगे और ट्यूसडे को बालाजी से ले आएंगे। फिर तो ठीक है। तो फिलहाल आज का गीता वाचन कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमने गीता में पढ़ा उसका संक्षिप्त आपको मैं सार दे देता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी क्षण भर के लिए बिना कर्म किए बिना रह नहीं सकता। तो हम कर रहे हैं वो सब कर्म है। मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी कर्म है, आप लाइक कर रहे हो वो भी कर्म है, और आप सब्सक्राइब कर देते हो वो भी कर्म है। तो कर्म करना जरूरी है और सब्सक्राइब करना बनता है और प्रकृति के अनुसार ये नियम है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे आपका कर्म हो जाएगा। चलो गाइस आज का गीता वचन कंप्लीट हो, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और सच में ये चैलेंज कभी कभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि मुझे तोड़ देना चाहिए, लेकिन जब गीता है ना पढ़ने बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार क्यों भाई क्यों तोड़ दें, ये है क्या अपना काम नहीं भाई। कभी कभी सोचते हैं कि यार छोड़ देते हैं दो टाइम का वर्कआउट, हमें बाहर क्या सुनना पड़ रहा है, अंदर क्या सुनना पड़ रहा है, किस तरीके से वीडियो बनाने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर ऐसा सोचते हैं नहीं कर्म कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। अभी हम लोग बैठ गए खाना खाने और आज ना लेट खाना नहीं खाने का फायदा मिला एक, मम्मा हमारे साथ खाना खा पा रहे हैं। ब्रेड बाटी जिसमें थोड़ा सा मक्खन मम्मा के हाथ का। आजकल बता रहा था मैं किचन मम्मा संभाल रहे हैं। मम्मा कल दोगे ना इसको? ठीक है। गुड मॉर्निंग, आवाजों पे आवाज ही लगा रहा है ये। आज किसको बुला रहा था तू? ले मैं नन्नी की स्वीट सी। स्वीट सी गुड मॉर्निंग बेबी, हेलो, आओगे बाहर? अरे नमस्ते नमस्ते। हाँ मैं ना अपना वर्क कर रहे थे यहाँ पे बैठे बैठे, क्योंकि मम्मा गए हुए हैं बाहर कुछ काम से मासी जी के पास, तो यहाँ पे आ गए थे हम, यहीं पे वर्क कर रहे थे। और ये जग के ना है मोटू, आवाज कैसे लगा रहा था? गाने कहाँ से बजते हैं बेटा इसमें? गाने कहाँ से चलते हैं? गाने देखो बटन दबा रहा, देख लो कहाँ से चलते हैं? आपने बंद कर दिया। बंद तो मम्मा ने बोल दिया, नहीं बार बार में बस गाने ही बजाता है, चलाता नहीं इसको। मजा आता है गाइस इसके साथ खेलने का, बहुत ज्यादा। पिल्लो गेम खेले बेटा? पिल्लो गेम नहीं खेलेगा, अभी गाड़ी चलाएगा, मुझे पता है इसका। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद आज पहली बार हमारा बड़ा वाला पीसी ऑन होता हुआ 4:34 पे। मोटो आज पहली बार हुआ ना शायद ये? हाँ, आपको टाइम ही नहीं मिला था बीच में। टाइम नहीं मिला गाइस, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे बहुत से काम शेड्यूल करने में, आपको पता है आप व्लॉग देख ही रहे हो। और अगर आप नहीं देख रहे तो भाई कर क्या रहे हो, व्लॉग देखा करो। अपडेट मांग रखा है या तो मोटू, अपडेट मांग रखा है इसने। चलो पहले इसको अपडेट करते हैं, बाद में कुछ प्लान है अपना, मतलब प्लान तो क्या बताएं, काम है अपना, उसको काम ही बोल सकते हैं, अभी प्लान तो कुछ है ही नहीं। क्यों मोटू? यस काम है बस, अपने काम है वो करेंगे कंप्लीट। ये देख रहे हो ये इक्विपमेंट क्या है, इतना महंगा इक्विपमेंट रख रखा है, लेकिन इसका काम इस चैलेंज के चक्कर में कुछ भी नहीं हुआ। अगर उसके बाद भी चैलेंज का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आई तो बंदा क्या करेगा पता है? आपको बोलेगा गाइस लाइक कर देना। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। आज हमारा 75 आवर डे का डे 70वां है ना बेटा, राइट है ना? और हम अभी जा रहे हैं छत पे। चलो अरे कंटिन्यू बेटा, कंटिन्यू एक्सरसाइज के बीच में रुकना मतलब अपना स्टेमिना कम करवाना। इसी के साथ आज का टारगेट पूरा हुआ। इसको देखना क्या कर रही है, क्या कर रही है मोटू, क्या कर रही है? करने की पोटी डाल रही हूं। नन्नी की पोटी डाल रही है। गुड वर्क है तेरे लिए ये। यस। और वैसे ना टाइम हो गया अपना आउटडोर वर्कआउट का, तो हम शूज वगैरह पहन रहे हैं और निकलने की तैयारी में है बस। गर्दन का दर्द ना हुआ है ठीक, 3 दिन बताते हैं ना, वो वास्तव में 3 दिन ही लगते हैं भाई। ऐसा आयुर्वेदिक मैंने कभी भी उपाय किए नहीं थे पहले, क्योंकि पहले कभी जरूरत पड़ी नहीं। एक बार पड़ी थी मेरे को, मैं 10th या 12th में था कन्फर्म याद नहीं है, उस टाइम भाई साहब क्या रिलीफ मिला था। और अभी तो भाई 2 बार कर लिए जबरदस्ती।
क्योंकि हम जिम के फील्ड से नहीं है ना, तो हमें पता नहीं है कि वेट वगैरह किस तरीके से उठाते हैं। और यहाँ पे ट्रेनर भी हम चूज नहीं कर सकते, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है हमारे से जिम, नॉर्मल 10 आना 10 जाना इम्पॉसिबल है अभी हमारे लिए। और घर में इतने इक्विपमेंट है तो सोच रहे हैं घर पे ही शुरू कर देते हैं, धीरे धीरे आराम से ऐसा सेटल हो जाएंगे। और जो भी जिम करने वाला बंदा है ना, वो पहले ऐसे ही करता है, कभी कहाँ दर्द कभी कहाँ दर्द, उसके बाद में सेटल हो जाते हैं। हम निकल रहे हैं वर्कआउट के लिए, और दादी और पोते बोलोगे किस वर्क में लगे, माँ कल दोगे ना इसे पक्का, ठीक है ओके बाय बेटी, आ रहे हैं वापस है ना। तो पहुंच गए हैं अपनी लोकेशन पे, अब करेंगे हम थोड़ी सी रनिंग, थोड़ी सी करेंगे। अभी आपको बोल देंगे हम कि 10 मिनट करेंगे तो बोलोगे कॉफ़ी कर रहे हो, ये और इश्यू है। इस मोटू के चैनल पे आते रहते हैं कमेंट, मेरे तो नहीं करते हैं वैसे, इसके ही करते रहते हैं। मैं ना थोड़ी सच्ची बोलने वाली लड़की हूँ ये ज़्यादा ही सच्ची बोलती है, थोड़ी कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा झूठ बोलती है, कोई मत मान लेना। ऐसा कुछ नहीं, मैं सच बताती हूँ। अरे इसको रख दे, इसको रख, इसको रख दे, मेरे में दर्द है। अपने मिलने वाले मिलने लग गए आजकल, फटाफट कर ले, दिमाग खराब नहीं, चुप। मैं एक एक्सरसाइज भूल गई, अब बस बंद कर, बंद कर, अब हो गया टाइम, हो गया चलने का टाइम, हो गया बंद कर, चुप। पेड़ बजा दी, तूने कसम डलवाई है ओनली फॉर वीडियो चालू करने की, बताने की कुछ नहीं डलवाई है आज से जिंदगी में कभी नहीं पूछूंगी ये। चल ठीक है मैं करके बताता हूँ, रुक गाइस देखना मेरी, मैंने सही नहीं है क्या बताना सही नहीं लगी, मैंने फर्स्ट एग्जाम आपकी देखी ऐसी तू है पागल और मेरे को और पागल करेगी, एक्सरसाइज कैसे कर रही हो, कर चुपचाप तेरे से। गाइस मैं गया ना तब भी इनको यहाँ छोड़ के गया था, और अभी देखो पूरी रात हो गई है बाहर, फिर भी यहाँ बैठे हैं, क्यों भाई? नहीं भाई, क्यों जाके आया था कहाँ पे? डेढ़ तक। ओ मतलब ग्राउंड काट के आ रहे थे और अभी बैठ गए वापस आके बैठ गए। इस काले भूत को देखना, यस काले भूत जी, हाँ वो तो चलेगी, काले भूत जी राम राम जी, कैसा हुआ बुजो? राम राम कर दो एक बार, चलो राम राम कर दो, अजी राम राम साहब राम राम, काले भूत लग रहे हो आप। और मोगली भी इनके पीछे बैठी हुई, देखो 1 2 3 तीनों फैमिली मेंबर हमारे यहीं पे। काला कैसे हुआ? नहीं बुझा क्या? काले कैसे हुए बेटा आप? ऐसे कैसे हुआ बेटा? ऐसे 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 हाथ लगाने से ना अच्छा लग रहा है, फिर भी आजकल ना चित्तू की जो हाँ करने की लैंग्वेज ना वो चेंज हो चुकी है। चले चित्तू, नहीं नहीं हाथ से करियो, इससे करियो, चले चले, मैंने हाथ के लिए बोला था स्पेशल, चल इससे कर, चले चले ऐसे करो, चले गर्दन से कर रहा है। तो अभी खाने बैठ गए हम लोग, खाना ये है बने इधर चावल स्पेशल तड़के के साथ में, काली मिर्च भी है इसमें, पहले बोल दिया है इसने। और ये कुछ इस तरीके से इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार मिर्ची, अब इनको मिक्स करेंगे ना और फिर खाएंगे ना, टेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक आएगा इसका। ये है मेरा थोड़ा तरीका, और मेरे तरीके तो किसी ने यूज नहीं किए होंगे शायद। नहीं मैं नया देख रही हूं आपका, इसलिए तो मेरे पास से आ गई। चलो कोई नहीं, इसमें मिर्ची स्वाद अनुसार डालना है, ठीक है? स्वाद अनुसार डाल, हां मिर्ची स्वाद अनुसार। और रही ये वाली, ये आपको पता है सब्जी के साथ बनाए हुए हैं रोटियों के, ये छाछ। हां दादा उधर है, उधर है दादा, ये खाता है कुछ इस तरीके से, बिल्कुल गंदी कर देता है इसको, देख लो। तो इसकी सुन लो, हां गुगु सुना क्या सुना रहा है? टेढ़ा को बोलते हैं चंदा मामा देखने जा रहे, बोल दे टेढ़ा को एक बार, बोल दे। ओके जाओ, ओके बाय, जल्दी आना। तो ये चंदा मामा देख के आ गए, आ गया? मना कर दे, मिला ही नहीं, ऐसे बोल दे नहीं मिला। मैं पूछ रहा हूँ चंदा मामा को मिल गया? नहीं मिला, मैं तो मिला ही नहीं। चंदा मामा मिल गया क्या बेटा तुझे? तो फिर क्या देखने गया था तू? अब तो यहीं पे दे दो सामान, चंदा मामा तो नहीं मिला इसको। चल ठीक है अब सो जाए, ऐसे बोल दे। सोएगा? गया वो, गया चंदा मामा। सोएगा? सोई सोई करनी है, हाँ आज तो करनी है, सुला दे मुझे तुमसे प्यार। गिटार बजाना, सॉन्ग नहीं गाना, वही कर रहा हूँ, मेरी औलाद को देख रहा हूँ मैं, उसके लिए गा रहा हूँ। मुझे तुमसे प्यार हुआ, वो चला रहा है पीसी वगैरह को, वो सब चला रहा है पीसी। इसे देखो गाइस नीचे खुरपी, अरे लग गई उसके, लग गई, कुछ नहीं लगी, इतने से क्या होता है, हमारे फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं। चलो उसको खेलने दो, आप बजाओ लेंगे कवर। जो धुन सीखी ना, नहीं वो सुनाओगा इसको। कौन सी सीखी? नहीं मैंने सीखी ना आज, सॉरी अभी थोड़ी देर पहले बजाई थी ना वो, अच्छी वाली वो वाली, ऐसे बोल तो वो सीखी थोड़ी सी, वो तो बजाई थी। हां तो बजाओ। अभी मोटू कर रहे गिटार का टास्क पूरा। चलो गाइस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक करना शेयर करना, अब मैं करूंगा मेरी एडिटिंग। चलो मिलते हैं कल, बाय। God, no love for the
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take